अच्छा लोग जाया करो, सर चलते हैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप ऑल इज डूइंग वेल। सो आज हम आए हैं शॉपिंग करने के लिए। चलो आपको घुमाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। चलो हमारे से शॉपिंग करो। हमारी डॉली पड़ी है, तो सामान मैंने खरीद लिया है, बाकी आपको दिखाते हैं। चलो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मिल्क भी मिलता है, जो मैं फार्म फ्रेश गई थी ना, वो फार्म फ्रेश से जो मिल्क मैं लेके आई थी, यहाँ इस जाया ग्रोसर भी मिलता है। वैसे तो मैं पार्टनर कॉन्सेप्ट आई थी, यहाँ पे बंद हो चुका है वो, क्योंकि मैं मे बी कोरोना के टाइम के बाद ही यहाँ पर आई हूँ। सो देखते हैं, यहाँ पर तो शॉप है नहीं, सो मैं सोचा चलो ग्रोसरी शॉप आए हैं, चलो ग्रोसरी ले लेते हैं। चलो आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये पड़े हैं फार्म फ्रेश की जो मिल्क है। सो फ्रेश मिल्क भी है उधर पड़ा। देखो कई फ्लेवर की है, चॉकलेट फ्लेवर, ये सारे फ्लेवर्स के पड़े हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो मैं एक आधा ले लेती हूँ, यहाँ से खा लेती हूँ। अभी मेरे को बहुत भूख लग रही है, खाना भी सुबह ब्रेकफास्ट ही करके आई थी। सो चलो मिलती है यहाँ पर। फ्रेश जूस जो वो पड़े यहाँ से एक ले लूँगी मैं। देख सकती हूँ, ये है हमारी ट्रॉली, और मैंने ट्रॉली में ऊपर DIY गई थी, वहाँ से सामान। ये देखो, अभी मशरूम लिया है, जूस ले लिया है, गोवा लिए हैं। ये देखो बहुत ही प्यारा शॉप है ये, गाया जाया ग्रोसर। लोग खरीद रहे हैं सामान, हम भी ले लेते हैं थोड़ा बहुत। आज हस्बैंड शाम की मार्केट भी जाएंगे, जो मंडी बोलते हैं, वहाँ से भी वो लेके आएंगे फ्रूट्स वगैरह। ये आइसक्रीम कौन से मैंने लेने थे, चलो ले लेते हैं इनमें से। देखते हैं कौन सा, ये वाला मैं ढूंढ रही थी, ये DIY शॉप से, वहाँ से मेरे को मिला नहीं। ये FNN का इंग्रेडिएंट्स देख लेती हूँ, फिर ले लेती हूँ। सो मैंने इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, इसकी बहुत ही सिंपल है, आप भी देख सकते हो। सो वी कैन एंजॉय इट। आइसक्रीम मैं वहाँ 99 शॉप से ले लूँगी। इधर हमारा पर्स पड़ा है, ये जाया ग्रोसर है हमारे घर के पास ही। चलो मैंने सोचा मैं तो क्रैप कर करके आई थी, तो क्रैप कर से आई हूँ। ये देखो यहाँ पे फ्रोजन जो चीज़ें होती हैं ना, फ्रोजन वेजिटेबल्स और एनीथिंग, ब्रेड वगैरह कुछ भी फ्रोजन चीज़ें। सो यहाँ से ले लेती है, मैंने फ्रोजन मटर लेने थे, देखती हूँ। चलो इसको खोल लेते हैं। ये देखो जो फ्रोजन मटर होते हैं वो पड़े हैं इस यहाँ पर ये वाला ब्रांड मैं यूज़ नहीं करती। ये वाला मिक्स है, और ये वाला, ये जो मैं ब्रांड यूज़ करती हूँ यहाँ पर है नहीं। ग्रीन पम्पकिन मैं कितने दिनों से ढूंढ रही थी, जिसकी ये स्किन ना सॉफ्ट होती है। इंडिया में ये स्किन उतारते नहीं है, ये स्किन के साथ बनाते हैं। अभी मैं ये लूँगी, देखो मेरे को आज मिल गया। नीचे पड़े हैं वो हार्ड स्किन वाली हैं, ये हमेशा मैं फिर लेती हूँ, इसकी स्किन उतारनी पड़ती है। इसकी स्किन उतारने की ज़रूरत नहीं है, ये ले लूँगी। देखिए शक्करकंदियाँ जो होती है ना बॉईल करके खाने वाली, वो पड़ी हैं, बहुत प्यारा ये स्टोर है। लोग चीज़ें खरीद रहे हैं वहाँ पर, दालें हैं सारा कुछ। जो कद्दू ले लेते हैं, कद्दू पम्पकिन। ये देखो आपको मलेशिया की मिर्चें दिखाती हूँ, जो मिर्चें होती है ना बड़ी बड़ी, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये लाइक समथिंग येलो टाइप है। और दिखाऊँ आपको ये मिर्चें, देखो आप, मैं दिखाती हूँ। ये देखो मेरा हाथ, देखो देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें, ये तो पहली बार देखी मैंने, ग्रीन एंड रेड। ये भी है, देख सकते हो आप, छोटी 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 कहाँ बड़ी बड़ी है। ये तो लाइक सैलड में बनाने के लिए, और 10 स्पैगेटी पास्ता बनाने के लिए होंगी। नाइस।
ये देख लीजिए वेजिटेबल्स, ये चिकन लगा तो मैं तो फुल्ली वेजिटेरियन हूँ। मशरूम भी ले लिए हैं, ब्रोकली पड़ी है, ब्रोकली लेने एक है तो महंगी, ये देखो एक पीस 390 का। ये वाला शायद ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तो आपको पता ही और महंगी होती है। ये 390 का है एक पीस, ले लेते हैं। ये देखो कितनी प्यारी है, कोई अच्छा सा देख करके उठा लेते हैं। और मैंने ये वाला ले लिया, अच्छा है। फूल गोभी तो मुझ दिन ले गई थी, अभी बड़ी है घर में, देखती हूँ एक ले लेती हूँ। कटे हुए बेचते हैं ये हमेशा, ये देखो कटे हुए भी, आधे गोभी भी 552 की, पर अच्छी है, बहुत प्यारी है, ले लेती हूँ। चलो ये देखो हमने फ्रेश मिल्क ले लिया यहाँ से, ये देखो यहाँ से फ्रेश मिल्क मिलता है, यहाँ से हम रिफिल भी करवा सकते हैं। ये यहाँ पर गर्ल है, और ये देखो बहुत ही प्यारी प्यारी, मैंने एक ही बोतल ली क्योंकि 1 लीटर की है ना, ये फ्रेश मिल्क है, काऊ का फ्रेश मिल्क। बहुत खुशी हुई है आपसे लेकर के। चलो एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ काउंटर पे हम दे रहे हैं सभी चीज़ें, चलो आपको दिखाते हैं। यहाँ मैंने एक प्लास्टिक बैग ले लिया, यहाँ डाल दो, चलो घर चलते हैं अभी। ओह ओके ओके, थैंक यू। वो कद्दू का मैंने प्राइस नहीं लगाया, सो वो कद्दू का प्राइस लगाने गया है लड़का, और ये मेरी चीज़ें। सो जी सामान खरीद लिया है, आप देख सकते हो इतना सारा सामान, और एक ये बैग उठा रखा है। चलो अब घर को चलते हैं। ये देखो बहुत ही प्यारा है इन्होंने डेकोरेशन कर रखा है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो मूनकेक फेस्टिवल होता है वो है यहाँ पर मलेशिया में, चाइनीज़ न्यू ईयर का मूनकेक फेस्टिवल। यहाँ पे डेकोरेशन बहुत प्यारी कर रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितना प्यारा ट्री है, लोग यहाँ पर पिक्चर निकाल रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा ट्री है, दूर से दिखाती हूँ मैं आपको। लाइट्स भी बहुत प्यारी लगा रखी है, ये देखो तो क्विकली मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ जाया ग्रोसर से। वैसे तो मैं क्लोथ्स की शॉपिंग करने गई थी, अपने लिए शॉपिंग करने गई थी। ये मशरूम है, वो मशरूम लेके आई हूँ, एक पैक है इसमें सर जाएगा। और ये मेरा फेवरेट फार्म फ्रेश का फ्रेश फुल क्रीम फ्रेश फ्रेश मिल्क। और ये है कॉलीफ्लावर, महंगी थी 3 रिंगे 90 सेंट का एक, नहीं तो मैं 150 का लेती हूँ। सो ये आइसक्रीम कोन्स, ये मेरे पास फिनिश हो रखे थे कॉफ़ी चिर के। और ये चेरी टमेटोस, फोकस 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 फोकस, ये चेरी टमेटोस है येलो एंड रेड, ये लेके आई हूँ सैलड के लिए। चिकम्बर है फ्रिज में पड़े हुए, और ये क्या बोलते हैं इसको, गुआवा सीडलेस अमरूद। और ये हमारा हो गया धनिया, ये धनिया है। और ये कद्दू मैंने उठा लिया जब इसका लगाया प्राइस, सो आप देख लीजिए 15 रिंगेट का, 1 किलो से भी कम है। ये देखो ये है इसका, हाँ ये है, ये देखो 1 किलो से भी कम 15 रिंगेट का। पर मेरे को लेना था, पर मेरे को लेना था क्योंकि फ्रेश मिल गया, क्योंकि इसकी स्किन नहीं उतारूंगी, ऐसे ही बनाऊंगी इसको, बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरी भाभी जी बनाते हैं खट्टा मीठा, तो उनसे रेसिपी मांग करके बनाऊंगी। और ये लेके आई हूँ कॉलीफ्लावर, ये कॉलीफ्लावर उस दिन भी लेके आई थी कॉलीफ्लावर।
और ये मैं इतना प्यारा टाइम पीस लेके आई हूँ। ये टाइम पीस मेरा ख़राब हो गया था और ये मैं बहुत प्यारा सा टाइम पीस लेके आई हूँ, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है, सो नाइस। सो ये मैं अपने लिए जूस और जा पानी पीने के लिए ग्लास लेके आई हूँ। ये देखो बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हो, स्ट्रॉ है साथ में। लाइफ इज स्वीट। सो ये जूस था वो मैंने पी लिया और ये कपकेक, जो कपकेक नहीं होते वो बनाने के लिए, कितने सारी हैं इसमें, कपकेक बनाऊंगी। बस ये टाइल्स क्लीन करने के लिए, टॉयलेट क्लीन करने के लिए ये है, बस यही है सारा सामान, आप देख सकते हो, बस ये सारा सामान है, बस इतना सा लेके आई हूँ। 3 घंटे लग गए मॉल में क्योंकि मैं एक क्लोथ की शॉप में घुस गई, वहाँ पर मेरे को अच्छे नहीं लगे क्लोथ्स, पर जो जिस स्टोर में मैं जाना चाहती थी वो क्लोज डाउन हो गया था। सो बस यही वेजिटेबल्स वगैरह, घर का राशन पानी लेके आ गई। ये 1 लीटर का है मिल्क, फ्रेश मिल्क, अब इसे मैं पनीर निकालूंगी, चलो देखते हैं पनीर कैसे निकालते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल। ये देखो मैं फार्म फ्रेश गई थी जब, वहाँ से लेके आई थी, ये 1 ही लेके आई थी मैं, ये फिनिश हो गया। इनका क्या सिस्टम है, जब फ्रेश मिल्क इनके पास होता है वहाँ पर, इन्होंने बोला है नेक्स्ट टाइम अगर आपने आना है तो अपनी खाली बोतल लेके आ जाना। ये 11 रिंगिट 40 सेंट का है 1 लीटर, तो जब आप अपनी एम्प्टी बोतल लेके जाएंगे तो 8 रिंगिट 40 सेंट समथिंग का मिलेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी ये दोनों बोतल्स ले जाऊंगी और 2 लीटर मिल्क लेके आ जाऊंगी, फ्रेश मिल्क, क्योंकि फ्रेश मिल्क आपको पता ही है कभी कभी मिलता है, बस जब मिल जाता है बस उठा लेना चाहिए। सो मॉल भी वैसे काफ़ी दूर है पर कोई वाली बात नहीं, सब्जी वगैरह ले आऊँगी और साथ में ये मिल्क ले आऊँगी। ये देखो घर आ कर के ये मेरी हालात हो गए, अभी डिनर भी बनाना है। चलो मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ, वीडियो के साथ और कोई और रेसिपी के साथ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।